leave it. आज हमारे देश में 14 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में है, आरबीआई की प्रिंटेड. उसमें 85% वैल्यू 500 और 1000 में है. उसके साथ अगर 100 रुपए की आप नोट जोड़ देंगे तो 95% वैल्यू आज 100 डॉलर की, 100 इसके रुपए के ऊपर की है सर्कुलेशन में. यह पूरी कैश ट्रांजैक्शन नॉन ट्रेसेबल होती है. एक बार हैंड शिफ्ट करती है, उसके फुटप्रिंट कभी नहीं रहते. हमारे देश में 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रोज के 50 रुपए से कम खर्चे में जीती है. यह हमारे देश की पॉवर्टी लाइन है. यह 500 की नोट प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा है 3 रुपया और 1000 की नोट प्रिंट करने का 3.5 रुपया हमारे गवर्नमेंट का खर्चा है. जब गवर्नमेंट के पास फिस्कल यानी टैक्स से पैसा नहीं आता तो गवर्नमेंट ये फिनेंशियल वैल्यू क्रिएट करती है. 3.5 रुपए की इन्वेस्टमेंट में 997 रुपए वो प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है. और इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है टू मच मनी चेजस फ्यू गुड. मार्केट में उतनी वैल्यू है ही नहीं और पहले गवर्नमेंट क्रिएट करती है, वो जनरेट नहीं होता. इसलिए हमारे देश में इन्फ्लेशन कंसिस्टेंट है. दूसरी तरफ यही करेंसी, मैं आपके साथ यह टेबल रख रहा हूं, 1000 की नोट जो रेट से गवर्नमेंट बढ़ा रही है, कोई गवर्नमेंट अभी तक कंप्लेंट नहीं करती कि हमारे पूरे देश में पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन कैपिटल बहुत कम है. बोरियों में पैसा पड़ा है नोटों में लेकिन बैंक में कैपिटल नहीं है. क्लिक इनएडिक्वेट कैपिटल सप्लाई टू इकोनॉमी. हमारे इंटरेस्ट रेट 12% प्लस से शुरू हो जाते हैं. क्लिक जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन. हमारे देश में जितना पोटेंशियल है उसके हिसाब से हमारे देश परफॉर्म नहीं कर रहा है. क्लिक एक तरफ सरकार के पास पैसा नहीं, दूसरी तरफ करप्शन बड़ा है. ये दोनों का रिजल्टेंट है पुअर गवर्नेंस. अगर हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कुछ है तो पुअर गवर्नेंस ये प्रॉब्लम है. पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स इज अ कंपोनेंट, गवर्नेंस इज अ सिस्टम. पुअर गवर्नेंस इज अ बेसिक इशू. क्लिक पुअर गवर्नेंस और करप्शन, ये दोनों ने हमारे देश में सोशल इनसिक्योरिटी लाई है. हमारे देश में जो वाइब्रेंट एटमोस्फियर चाहिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट का, आज हम एट पार है, हम उसका कोई एडवांटेज नहीं ले पा रहे, ओनली बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज. क्लिक क्लिक एक्सपेंसिव कैपिटल. बैंक में पैसा जाएगा ही नहीं, डेरिवेटिव डिपॉजिट की कॉस्ट आपकी कितनी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट पे आपका स्प्रेड आएगा, इसलिए आपके बेसिक कैपिटल आपका महंगा है. एक्सपेंसिव कैपिटल. क्लिक एक्सपेंसिव कैपिटल प्लस फ्रॉड सिस्टम, हाई इनपुट कॉस्ट. हमारे यहां कैपिटल की एफिशिएंसी निगेटिव से शुरू हो जाती है 12% से, और उसके साथ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट आ जाता है. इसलिए हमारे पूरी देश में कोई भी बिजनेस या ट्रेड में हाई इनपुट कॉस्ट इज अ बिग हर्डल. क्लिक विड्रॉल ऑफ हाई डिनोमिनेशन करेंसी नोट. एक राइट टाइम फ्रेम में 50 या 100 रुपए के ऊपर की करेंसी नोट निकल जाएगी. आज 85% वैल्यू जो है करेंसी नोट की वो 500 और 1000 में है, वो पूरी बैंकिंग में आ जाएगी. डेरिवेटिव डिपॉजिट हमारे बहुत सस्ते होंगे क्योंकि प्राइमरी डिपॉजिट की कॉस्ट चली जाएगी. एंड लास्ट वन क्लिक गवर्नमेंट शुड मेक अ लीगल प्रोविजंस टू रिस्ट्रिक्ट कैश ट्रांजैक्शन अप टू सर्टेन लिमिट. इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर क्या अगर कैश ट्रांजैक्शन आप करोगे 50 के नोट में भी करोगे तो आपको लीगल प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, उसका इंश्योरेंस अश्योरेंस नहीं रहेगा आपके लिए कुछ भी. आज हाई वैल्यू कमोडिटी और हाई वैल्यू प्रेशियस प्रोडक्ट को सर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं जो 10-10% के प्रीमियम होते हैं. अगर आपको बैंक के थ्रू नहीं गएंगे, आपका ट्रांजैक्शन रूट नहीं होगा तो उसको आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. दैट्स अल्टीमेट प्रपोजल व्हाट वी आर पुटिंग फॉरवर्ड. मैं आपको इसको सिर्फ आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूं. क्लिक बड़ी नोट नहीं है और बड़े ट्रांजैक्शन को आपको प्रोटेक्शन नहीं, नेचुरली यू विल हैव टू मूव फॉर बैंक ट्रांजैक्शन. हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस नॉट प्रैक्टिकल. क्लिक दैट विल लीड टू इंक्रीज इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. इसके सिवा कुछ नहीं बन सकता, बैंक के ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे. क्लिक
और वही ट्रांजैक्शन टैक्स आपको चार्ज होगा। सो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, गवर्नमेंट को नोट छपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट कितना टैक्स ले सकती है? गवर्नमेंट 100% टैक्स ले सकती है। गवर्नमेंट के रेवेन्यू के ऊपर सिर्फ एक नेचुरल सीलिंग होता है, दैट इज एक्सपेंडिचर प्लान। एक्सपेंडिचर प्लान से एक रुपया भी गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स नहीं ले सकती, लेकिन एक्सपेंडिचर प्लान तक गवर्नमेंट कितना भी टैक्स ले सकती है। सो दिस परसेंटेज कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इन फ्यूचर देयर विल बी नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू प्रिंट मनी। क्लिक, एडिक्वेट रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। मैं सिर्फ आपको आरटीजीएस का आज की एक फिगर देता हूं। आज मंथली आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में आज जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं 2 लाख प्लस, उसके मंथली ट्रांजैक्शन आज 65 लाख करोड़ पर मंथ, यानी पर एनम 750 करोड़। अगर उस पर 2% टैक्स लगा तो 15 लाख करोड़ का करेक्शन कलेक्शन 312 महीने का 15 लाख करोड़ रुपया प्लस 2 लाख करोड़ इंपोर्ट जस्ट टू रेगुलेट मनी सप्लाई। क्लिक 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 क्लिक। सो ये अगर डेरिवेटिव इसके ये जो प्राइमरी इफेक्ट्स है उसके डेरिवेटिव इफेक्ट जो निकलेंगे, क्लिक, एंटी सोशल एंटी एलिमेंट्स अगर चेक हो जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी रिस्टोर्ड। अभी हमने लास्ट महीने में सुना है कि स्वीडन कैशलेस हो गया, यूरोप भी उसकी तरफ जा रहा है। ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहां टेररिज्म का बहुत ज्यादा ये है, थ्रेट लग रहा है उनको। भारत में इतने शॉक्स बैठ रहे हमें टेररिस्ट के, हमारी करेंसी मनी उनको प्रमोट कर रही है। अगर उनका विटामिन एम चला जाएगा, मोटिव रहेंगे लेकिन मींस ही उनके पास नहीं रहेंगे, तो एक्शन नहीं ले पाएंगे। मोटिव्स को हम नहीं बदलेंगे, मींस को निकाल देंगे हाथ से, ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। क्लिक, गवर्नमेंट डेट चेक्ड, फिस्कल डेफिसिट रिकवर्ड, टैक्सेशन का सिस्टम ऑटोमेटिक बन जाएगा, ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिकली टैक्स चला जाएगा, सभी विनर रहेंगे, सोसाइटी में किसी को टैक्स नहीं होगा।